Students, now we will talk about Python sets in this video, जो कि यूनिट थ्री का एक टॉपिक है. आइए देखते हैं सेट क्या होता है. अ सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड. इन पाइथन सेट्स आर रिटन विद करली ब्रैकेट्स. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हैव डिनोटेड वॉट इज सेट एंड हाउ टू डिफाइन इट. यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है दिस सेट नाम का, और उसमें हमने कैसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर पैरामीटर्स को स्टोर किया है. दीज पर्टिकुलर पैरामीटर्स आर स्टोर्ड इन एन अनऑर्डर्ड मैनर, दिस इज कॉल्ड सेट. और उसको हम बहुत ही आसानी से प्रिंट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं, ये वेरिएबल प्रिंट के अंदर दे करके. ठीक है, सो हियर वी कॉल सेट. ठीक है, ये अनऑर्डर्ड होता है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने यहाँ बोला बार बार कि दिस सेट इज अनऑर्डर्ड. अनऑर्डर्ड होने का मतलब है कि जब भी आप इसका प्रिंट फंक्शन लेकर के एग्जीक्यूशन करेंगे, तो ये जो लिस्ट है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम इसी ऑर्डर में प्रिंट होकर के आए. हो सकता है ये किसी और ऑर्डर में प्रिंट होकर आ जाए, जैसे पहले नंबर पर यहाँ पर पहले इंडेक्स पर एप्पल है, फिर बनाना है, फिर चेरी है. ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट में, इसी पर्टिकुलर इंडेक्सिंग में वो चीज़ें प्रिंट हों. हो सकता है कोई सीक्वेंस चेंज हो जाए, बनाना पहले आ जाए फिर बाद में फिर चेरी, या हो सकता है कुछ और पैटर्न आ जाए. तो चूंकि ये अनऑर्डर्ड है, तो वो किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकता है, ये आपको बहुत ध्यान देना है. जितनी बार आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपको ऑर्डर चेंज होता हुआ मिलेगा. सो सबसे बेसिक बात ये आपको ध्यान रखनी है. नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू एक्सेस आइटम्स इन अ सेट. वी कैन नॉट एक्सेस आइटम्स इन अ सेट बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स. जैसा कि मैंने बताया कि अनऑर्डर्ड होता है, इसलिए आप इसे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस नहीं कर सकते. सिंस सेट्स आर अनऑर्डर्ड, द आइटम्स हैज़ नो इंडेक्स, बट वी कैन लूप थ्रू द सेट आइटम्स यूजिंग फॉर लूप. ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लूप के थ्रू एक इटरेशन अप्लाई करके हम इनको एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप. और वैसे देखा जाए तो इनकी कोई इंडेक्सिंग नहीं है बाय डिफॉल्ट. और आस्क इफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ सेट बाय यूजिंग द इन कीवर्ड. ठीक है, इन मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करके हम ये सेट में से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सेट में वो एलिमेंट मौजूद है या नहीं. ठीक है, देखिए कैसे, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड. एग्जांपल की हेल्प से जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो बहुत ही ईजी हो जाता है समझने में, इसलिए मैं आपके सामने एग्जांपल पेश कर रहा हूँ. दिस सेट इज इक्वल्स टू, ये हमने तीन वैल्यूज यहाँ पे पुट करी सेट में. फिर उसके बाद हमने लिखा फॉर एक्स इन दिस सेट. हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि एक्स में जो वैल्यू है क्या वो दिस सेट में अवेलेबल है. ठीक है, तो अब एक्स का कौन सा वैल्यू यहाँ पे चेक हो रहा है, ये आपको मैं एक बार समझाना चाहूँगा. चूँकि आपको पता है एक्स में तो कोई वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर कर नहीं रखी है, पर चूँकि हम लूप के थ्रू इसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक्स में हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू. और यहाँ पे इंडेक्सिंग किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के पास नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के थ्रू ये चेक करेंगे कि x की जो वैल्यू है, चूँकि यहाँ सेट का जो साइज़ है वो कितना है, ये पर्टिकुलर तीन वैल्यूज़ का है जो हमारा सेट है, तीन एलिमेंट्स का. तो जो x की वैल्यू है वो ज़ीरो से लेके टू तक वेरी करेगी. ठीक है, बेसिक इंडेक्स जो होता है वो ज़ीरो होता है. तो हम ये चेक करेंगे कि क्या x की वैल्यू जो ज़ीरो है, क्या ज़ीरो नाम का कोई इंडेक्स इस पर्टिकुलर सेट में है. ऑब्वियसली ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमें ना पता हो, पर ज़ीरो इंडेक्स तो इस पूरे सेट में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. भले ही ये सेट अनऑर्डर्ड है, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो आप एप्पल को ही माने, ज़ीरो इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं. चूंकि सेट अनऑर्डर्ड है, तो ज़ीरो इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं. लेकिन ये तो कन्फर्म है कि इस पूरे सेट में ज़ीरो इंडेक्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, चूंकि ये थ्री एलिमेंट्स का पूरा सेट है, तो ज़ीरो वन और टू ये तीन इंडेक्सेस तो इसमें एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे. ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि x की वैल्यू जो जीरो है वो जीरो इंडेक्स इस पर्टिकुलर सेट में एग्जिस्ट करता है. अगर करता है तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू अनऑर्डर्ड लिस्ट के हिसाब से प्रिंट होना चाहती है वो हो जाए. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसको लूप के थ्रू एक्सेस किया, और हमें बाय डिफॉल्ट जीरो पे एप्पल ही मिल गया, तो हमने एप्पल को प्रिंट किया. फिर x इज इक्वल्स टू वन हमने चेक किया कि वन इंडेक्स इस सेट में है कि नहीं, तो हमें मिला, तो हमने वन पे बनाना प्रिंट कर दिया, फिर चेरी. ये ज़रूरी नहीं कि यही आउटपुट आए. ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट में आउटपुट कुछ भी हो सकते हैं. बेसिक फार्मूला ये है कि हम यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू ये चेक कर रहे हैं कि ये इंडेक्स सेट में है कि नहीं. अगर इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, तो उस पर कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट.
नाउ वी विल टॉक मोर अबाउट सेट। आइए देखते हैं। चेक इफ पर्टिकुलर वैल्यू इज प्रेजेंट इन द सेट। कैसे चेक करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम ये देखेंगे कि कोई वैल्यू अगर हम चेक करना चाहते हैं कि वो सेट में मौजूद है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। हमने वही सेम वैल्यूज असाइन करी उस वेरिएबल को, ठीक है, सेट बनाने के लिए। फिर हमने चेक किया क्या कि प्रिंट दिस वैल्यू इफ इट इज़ इन दिस सेट। मतलब हमने इन मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल यहाँ प्रिंट फंक्शन के अंदर किया और चेक किया कि ये पर्टिकुलर वैल्यू इस सेट में मौजूद है कि नहीं। किसकी हेल्प से चेक किया? इन वाले मेंबरशिप ऑपरेटर की हेल्प से। इन यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर का काम कर रहा है। ये वो सेट है जिसमें हम इस वैल्यू को चेक करना चाह रहे हैं। वो वैल्यू हमने डबल कोट्स में मेंशन की है और फंक्शन के अंदर ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी और चेक करके हमें बताएगी ट्रू या फॉल्स। तो अगर बनाना इसमें मौजूद है तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है ये एलिमेंट इस सेट में, इसलिए हमको ट्रू मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम इंडेक्स नहीं चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट चेक कर रहे हैं कि वो एलिमेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में से कोई एक चीज़ रिटर्न होगी। नाउ ऐड एलिमेंट्स टू द सेट। टू ऐड वन आइटम टू अ सेट यूज द ऐड मेथड। यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐड करने के लिए, एक एलिमेंट ऐड करने के लिए हम ऐड मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ऐड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। टू ऐड मोर देन वन एलिमेंट्स वी कैन यूज़ द मेथड अपडेट। यहाँ पे दोनों को मैंने अलग अलग बाइफरकेट किया है। इस चीज़ को आपको भी गौर करना होगा कि अगर कोई एक एलिमेंट ऐड करना हो तो ऐड फंक्शन का यूज़ करेंगे, और एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करना है तो अपडेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। दोनों का एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। ऐड मेथड का यूज़ करके देखिए, एक वैल्यू यहाँ पे हमने एज अ पैरामीटर इसमें पास करी और इसको इसमें ऐड किया और देखिए आउटपुट क्या आया। ठीक है, तो एक एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो गया। और जब हम अपडेट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हम मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रीवियसली सेट में तीन एलिमेंट्स थे और जब हमने तीन और ऐड किए तो हमारी लिस्ट जो हमारा सेट है वो क्या फ्रेम होके आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऐड और अपडेट फंक्शन का हम कैसे इस्तेमाल करके एक और या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को सेट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ चीज़ें और भी जान लेते हैं सेट के बारे में। गेट द लेंथ ऑफ अ सेट। ऑब्वियसली आपको पता है लेंथ फंक्शन आपने कई जगह इस्तेमाल किया है, टपल्स में भी लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल किया, स्ट्रिंग में भी किया, और भी चीज़ें हैं उनमें भी किया। यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है इसका। लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सेट की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे तीन एलिमेंट्स हैं, देखिए लेंथ कैलकुलेट होकर तीन आ रही है। बहुत ही ईजी चीज़ है, इसमें कुछ भी आपको खास समझने वाला नहीं है। कोई एलिमेंट अगर आप रिमूव करना चाहते हैं सेट में से तो बहुत ही सिंपल है, आप उसके लिए रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास तीन वैल्यूज़ यहाँ पे सेट में हैं, आप एग्जांपल की हेल्प से सब कुछ समझ सकते हैं। यहाँ डॉट रिमूव करके हमने फंक्शन को एक्सेस किया डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, ये फंक्शन एक्सेसिंग के लिए यूज़ होता है डॉट ऑपरेटर। फिर उसके बाद हमने उसको एक पैरामीटर दिया जिसे हम रिमूव करना चाहते हैं, और उसके बाद देखिए आउटपुट में वो पैरामीटर रिमूव होके सेट आपका प्रिंट हो गया। इसी तरीके से आप देखिए जॉइन द टू सेट्स, अगर हम दो सेट को आपस में जॉइन करना चाहते हैं, कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, या कह सकते हैं आप मर्ज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? वी कैन यूज़ यूनियन मेथड दैट रिटर्न्स अ न्यू सेट कंटेनिंग ऑल आइटम्स फ्रॉम बोथ सेट्स। अब यहाँ पे देखिए कैसे यूनियन का इस्तेमाल करके दो सेट को हम जॉइन कर रहे हैं जिससे फिर एक नया सेट निकल के आएगा। एक सेट हमने लिया ए बी सी, दूसरा सेट लिया हमने 1 2 3। आपको पता है सेट को कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर हमने एक सेट 3 डिफाइन किया जिसमें यूनियन फंक्शन का इस्तेमाल करके पहले हमने वो सेट दिया जिसको हम यूनियन करना चाहते हैं, फिर हमने यूनियन फंक्शन को हमने डॉट के साथ एक्सेस किया, फिर हमने वो सेट दिया पैरामीटर में जिसके साथ यूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ए डॉट यूनियन बी, इस तरह से हम जो है सेट डिफाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सेट 1 लिया है और सेट 2 लिया है, तो हमने यहाँ लिखा सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2। इससे क्या होगा, सेट 1 और सेट 2 के एलिमेंट्स का आपस में यूनियन हो जाएगा और सेट 3 में स्टोर हो जाएगा, और फिर हम सेट 3 को आराम से प्रिंट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। और चूंकि ये लिस्ट अनऑर्डर्ड है इसलिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स आए हैं वो अनऑर्डर्ड मैनर में यहाँ पे शो हो रहे हैं, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए कुछ और एक दो चीज़ें आपको मैं इसमें बता देता हूँ फाइनली, कि जैसे आपने यहाँ पे यूनियन का इस्तेमाल मैंने आपको बताया कि यूनियन फंक्शन का इस्तेमाल करके यू कैन जॉइन टू सेट्स, वैसे ही आप यहाँ पे इंटरसेक्शन एक फंक्शन होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एज़ यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ अबाउट इंटरसेक्शन,
एंड वॉट इज़ अबाउट डिफरेंस। दो सेट में से अगर ए माइनस बी यानी कि ए और बी का डिफरेंस आप निकालना चाहते हैं, वो एलिमेंट जो ए में हैं बी में नहीं हैं, तो उस तरह का डिफरेंस निकालने के लिए आप डिफरेंस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेट वन डॉट डिफरेंस फिर ब्रैकेट में सेट टू, इस तरह से आप कोड लिख सकते हैं। जैसे मैंने यूनियन का लिखा उसी तरीके से आप इंटरसेक्शन लिख सकते हैं कि सेट वन सेट टू के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको प्रिंट करने के लिए सेट वन डॉट इंटरसेक्शन ब्रैकेट में सेट टू, इस तरह से सिंटैक्स लिख करके आप इंटरसेक्शन एलिमेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू लर्न अबाउट सेट इन पाइथन। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसमें कोई भी चीज़ आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आती है आप इसको दोबारा प्ले करिए और उसके बाद इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।